हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। क्या आप लोग बिहार बोर्ड या NIOS बोर्ड या CBSE बोर्ड या किसी भी बोर्ड से इंटरमीडिएट या मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं? तो आपको उसमें एक प्रैक्टिकल फाइल बनाना होता है। मैं भी इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहा हूं, तो प्रैक्टिकल फाइल को मैं बनाया हूं। आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊँगा कि वो प्रैक्टिकल फाइल मैं किस तरह बनाया हूँ। आप उस वीडियो को देख कर अपना भी प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं। मैं 3 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल फाइल बनाया हूँ, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का। ये मेरा फिजिक्स का प्रैक्टिकल फाइल है। इसमें आप देख सकते हैं, इसके आगे मैं एक फॉर्मेट लगाया हूँ, इसमें रोल कोड रोल नंबर भी लिखा हुआ है। उसी फॉर्मेट को मैं यहाँ पर भी लगाया हूँ। और ये फिजिक्स का है तो इसमें पहले से दिया है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे भी मैं एक फॉर्मेट लगाया हूँ और यहाँ पे एक्सपीरियंट नेम लिखा है और पेज नंबर डेट कब बनाया हूँ ये सब डेट इसमें लिखा हुआ है। इसमें 5 मैं एक्सपेरिमेंट किया हूँ, तो आप देख सकते हैं। प्रयोग संख्या 1 यहाँ से स्टार्ट है, ये प्रयोग हो गया, ये उद्देश्य सब लिखा हुआ। और उसके बाद यहाँ पे आगे आपको चित्र देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक चित्र है, उसी तरह प्रयोग कर एक साइड लिख कर एक साइड चित्र बनाना है। यहाँ देख सकते हैं दूसरा चित्र है। अब वीडियो को अंत तक देखते रहिए, इसमें मैं किस तरह का बनाया हूँ। सेम आप इसी तरह बना सकते हैं, किसी भी बोर्ड का हो, चाहे CBSE बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या NIOS बोर्ड हो, सभी बोर्ड का आप बना सकते हैं। इसमें करना कुछ नहीं होता है, एक साइड आप प्रयोग लिखेंगे या दूसरे साइड चित्र बनाएंगे। किसी सब्जेक्ट का आपको उसका बुक नहीं मिलता है, नोटबुक नहीं मिल पाता है, तो आप उसका एक फाइल की तरह मिलता है, आप उसमें ही बना सकते हैं। मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का उसको फाइल में ही बनाया हूँ, उसको भी मैं दिखाऊंगा। पहले इसको मैं दिखा देता हूँ किस तरह बना हुआ है। इसमें 5 प्रयोग किया गया है। ये दूसरे सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल फाइल है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का। ये फॉर्मेट को मैं आगे भी लगा दिया हूँ ताकि देखने में भी अच्छा लगे। एक फॉर्मेट को मैं यहाँ पे भी लगाया हूँ। अगर आपको ये फॉर्मेट है बना बनाया हुआ चाहिए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में यस लिख के टाइप करिए, तो मैं इसका डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से उस लिंक पर जाकर इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां प्रयोग 1 दिया गया है, ऊपर यहां पे डाटा एंट्री ऑपरेटर सब्जेक्ट है, प्रयोगशाला मैनुअल, उसके बाद प्रयोग 1। अब यहां देख सकते हैं प्रयोग 2 का उसका चित्र यहाँ बना हुआ है। प्रयोग 3, प्रयोग 4, प्रयोग 5, प्रयोग 6। और यहाँ पे ये बता, आपको एक्सेल चार्ट में एक फॉर्मेट बनाना है, तो इसको मैं यहाँ पे बनाया था, इसका चित्र।
इसमें प्रयोग 8 रूप किया गया है। ये 8 को प्रयोग करने में पेज 48 को लग गया है और 2 को फॉर्मेट का पेज, तकरीबन 50 के पेज लगा है। आप भी इस तरह बना सकते हैं और बनाकर अपना प्रैक्टिकल फाइल बनाना चाहिए। ये तीसरे सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल फाइल है केमिस्ट्री का। नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट का नाम, इसमें भी 5 का एक्सपेरिमेंट किया गया है और यहाँ पर डेट लिख दिया गया है, कब किया गया है, यहाँ पे फॉर्मेट में लगा दिए हैं। यहाँ देखिए एक प्रयोग किया गया और यहाँ से नीचे चित्र है, इसी तरह यहाँ इसका प्रयोग किया गया और इसका यहाँ चित्र है। तो आप भी इस तरह का प्रैक्टिकल फाइल बनाइए और बनाकर अपने एग्जाम सेंटर पर जाके जमा कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देख सकें कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनता है। थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए।